तो जी राम राम नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा। और जी उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भाई एक बार फिर मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हो अंजलि राघव जी को, जिनके चार पांच इंटरव्यू हमारे चैनल पर आ चुके हैं। हर दिन एक वीडियो इनके नाम का अपलोड होता है, क्योंकि इनके नाम से आती है TRP, और TRP के लिए हमें डालना पड़ता है भाई, क्योंकि आप लोग इन्हें बहुत प्यार दे रहे हो और बहुत ज़्यादा इनको सर्च करते हो आप हर सोशल मीडिया पर। मैडम स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल। थैंक यू, सभी को नमस्कार। कैसी हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ एकदम। वाओ, मैडम का भाई स्टाइल हर बार खिला हुआ चेहरा, मतलब इनका इंटरव्यू लेने में अलग ही मजा आता है। जो किसी भी आर्टिस्ट के साथ आता है, हर किसी के साथ है, लेकिन इनके साथ कुछ ज्यादा ही आता है। सबके इंटरव्यू लेने हैं ना, क्या नहीं सकते औरों के साथ नहीं आता। तो इसलिए मैंने बात को पलट दिया कि मतलब सबके साथ ही आता है, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा आता है, क्योंकि किसी के साथ हो जाता है। मैडम गाने का शूट चल रहा है, किस गाने का शूट चल रहा है? गाने का नाम तो मुझे अभी नहीं पता, पर गाना बहुत अच्छा है, रुचिका जांगिड़ ने गाया है, और इसमें मैं हूँ, मोनू सुरेतिया है, और भी हैं कई लोग, हैप्पी ने शूट किया है। और गाना लेकिन बहुत प्यारा है, मुझे ऑडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए शूट कर रहे हैं हम लोग। ऐसा करके है कुछ, उस हाथ में पिना दो मैंने चूड़ो जी, जिस हाथ में लिखो या थारो नाम जी, ऐसे करके कुछ है। मैडम अपने हाथ पे नाम भी लिखवा ना, रखा ना, ये रियल नाम नहीं है, ये गाने के लिए सिर्फ लिखवाया है थोड़ा। मैडम दिखा दो एक बार, मैं थंबनेल के लिए डाल दूंगा। ना ना, तुम लोग इसका पता नहीं क्या टाइटल बना दोगे, कुछ नहीं भरोसा। मोनू कौन है? मोनू जिसने छपवाया अंजलि राघव में लीड है, वो मोनू है। अंजलि राघव ने किस मोनू का छपवाया नाम पे हाथ, हाथ पे नाम, उनका दूसरा काम है, लेकिन गाना बहुत अच्छा था, तो उनका मन नहीं किया कि किसी को ये गाना दें, और मेरा मन नहीं किया कि मैं इस गाने को छोड़ूं। मेरा मन था मैं करूँ इस गाने को, गाना मुझे बहुत पसंद था और काफ़ी दिन से मेरे पास था ये, सो मैंने किया ये। तो फिर मैं सजा कर लेते हैं, कोई भी हो जाए अच्छा है। नहीं नहीं कोई भी नहीं, मोनू भी अच्छा बनता है बहुत। भाई सही, सच में अच्छे हैं मोनू सुरेतिया सर, और मतलब बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं। उन्हीं ने बुलाया है मेरे को आज, तो इसके उन्हें आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरियाँ। तो मैडम अब बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए आपके हमारे चैनल पर, अब लोगों का भी ये है कि हर बार इनके पीछे पड़े रहते हैं, क्या सवाल पूछेंगे। तो मैडम पिछले इंटरव्यूज में मैंने आपसे आपकी मतलब पूरे दिन का हाल नहीं पूछा, जिस दिन आप फ्री होती हैं शूट से, शूट पे होती हैं उस दिन तो शूट ही करती हैं, जिस दिन घर पे आप होती हैं उस दिन आप मतलब नॉर्मली क्या करती हैं पूरे दिन, मतलब आपकी दिनचर्या? मेरी दिनचर्या मत पूछो, मेरी दिनचर्या अगर आप मेरे घर वालों से पूछोगे तो सब यही कहेंगे, आती है सोती है और सोती ही रहती है, और मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ सोती हूँ। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है जी। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा जाग ली हूँ, शूट चल रहा होता है डे भी नाइट भी, तो मैं इकट्ठे एक बार में नींद पूरी करती हूँ अपनी, सो के पूरा टाइम। अभी भी थोड़ा सा गैप मिला था, मैं सो के आई हूँ। इतना मतलब मैडम नींद से प्यार? बहुत ज़्यादा प्यार है, नींद से प्यारा कुछ नहीं। अच्छा, और किसी से नहीं है मैडम? चाय से है। कोई इंसान भी होगा मैडम चाय और नींद को छोड़ के? इंसान को इस कैटेगरी से अलग रखो, इंसान तो बहुत सारे प्यारे होते हैं, दोस्त अलग प्यारे होते हैं, बहन अलग प्यारी होती है, भाई अलग प्यारा होता है। ये मैं बता रहा हूँ कि कलाकार आजकल मतलब राजनेता वाली बातें करने लगे हैं, पॉलिटिक्स भाई देखते हैं शायद, मोदी जी को सुनने लगे हैं शायद ये। नहीं, तुम लोग भी तो ऐसे घुमा फिरा के क्या निकलवाना चाहते हो, इसलिए हम भी घुमा फिरा के आंसर देने लगे हैं। समझ चुके हैं हम तुम्हारे टाइटल देख देख के, तुम क्या डालते हो हमें सब समझ आ गया। मैडम क्या करें, अब हमारी रोजी रोटी इसी काम से चलती है, हमारी क्यों खराब करते हो भाई। सिंपल वीडियोज मैडम लोग देखते नहीं है, सीधा वीडियो डाल दो तो थंबनेल पे उनको कुछ अटपटा चाहिए, अंजलि राघव ने कर दिया ये। ओहो, तो वही हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। आपका भी तो अच्छा है मैडम, व्यूअरशिप तो आती है उससे। नहीं फिर मैं इसलिए कुछ नहीं सोचती तुम्हारे लिए गलत, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चलो मैंने मेरा कोई इंटरव्यू खोल के देखेगा तो अंदर तो सब पता चल ही जाता है। नहीं मैडम मैंने तो आज तक कुछ डाला भी नहीं आपके थंबनेल पे, ऐसा मैंने तो कुछ भी नहीं डाला शायद। हाँ शायद नहीं डाला आपने शायद मेरे इंटरव्यू, भाई अंजलि मैम का कुछ भी नहीं है शायद, एक बार सोनिका जी का ही था, उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुका हूँ उनसे बार बार, अभी भी मांगता हूँ कैमरा के ऊपर, तो उसके बाद शायद मैंने किसी भी इंटरव्यू, अभी सोनिका का इंटरव्यू लेना है ना इनको, इसलिए ये कट हो जाएगा भाई। इसको मैं कट कर दूंगा। ना कट नहीं करना। तो मैडम इसके बाद अपने मतलब अगले दो चार दिनों में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं?
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के नाम मुझे पता नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि नाम बाद में रखे जाते हैं, जैसे आज वाले का भी मुझे नाम नहीं पता और नाम बाद में डिसाइड होता है। सॉन्ग शूट हो जाता है तो सॉन्ग्स तो कई आने वाले हैं अच्छे, जितने अभी किए हैं सारे बहुत अच्छे हैं, तो देखते हैं पब्लिक को कौन सा पसंद आता है, बाद में वही अच्छा रह जाता है। जो हम करके आते हैं वो तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन होने के बाद जो पब्लिक को पसंद आता है फिर वही सिर्फ हमारा फेवरेट बना रहता है। दो दिन पहले मैडम आपका गाना आया था, आपने मेरे पास वर्चुअल वीडियो भेजा था बहू नाची किल की पार्टी, मेरे बारे में आपने काफी अच्छे विचार दिए थे उसमें, मतलब वो ऐसे ही थे या कुछ सच में था वो? हाँ हाँ, वो विचार आपने मांगे थे ना, वो क्वेश्चन यही थे मेरे बारे में, क्या कहना चाहोगे, अब कहना तो पड़ेगा जब पूछा है तो। मैडम तो सच बोला था आपने, फिर ऐसे ही मतलब पूछा है तो बोलना ही पड़ेगा कैमरा के ऊपर? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने बिल्कुल सच बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए अभी तक भी बार बार इंटरव्यू देती रहती हूँ मैं रोहित लांबा चैनल पर। जी तो यही भाई, बाकी कलाकार तो फ़ोन उठाते हैं सारे ही, लेकिन मैडम पहली बार में उठा लेती हैं, ये बात है, क्योंकि सबके बारे में कुछ बोल नहीं सकते ना मैडम, सभी उठाते हैं भाई मेरा फ़ोन, बड़ी इज्जत से सारे फ़ोन उठाते हैं, सारे इज्जत देते हैं। लेकिन मैडम कभी मैडम को मैं बोलता हूँ कि मैडम शूट पे आ जाऊँ या इंटरव्यू के लिए, कभी मना नहीं करती, बाई टी बाई पहली बार में मना के भेज देती हैं। बहुत ही प्यारा नेचर, मतलब सबसे अच्छा हरियाणवी इंडस्ट्री में अब तक मेरे को कोई लगा है, सारी अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन मैडम कुछ ज़्यादा अच्छी हैं। और तो मैडम मतलब लोगों का एक ये भी होगा कि भाई इतने इंटरव्यू कैसे ले रहा है, कुछ और है क्या है मैडम, उसके बारे में पूछ रहे थे लोग। ऐसा भी सोचते हैं आगे से इंटरव्यू बंद? नहीं नहीं मैडम, लोग बड़े बोले हैं, डाउट क्लियर कर देते हैं ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनका काम है इंटरव्यू लेना, मेरा काम है सॉन्ग करना फिर इंटरव्यू देना जी, बस इतना ही काम है भाई, आप उसको उससे ज्यादा आप ना सोचो। इसके बाद हमारी ऐसे कोई बात नहीं होती है। हाँ, हाँ। और ऐसा कुछ लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है, मुझे पता है लोग इतने पागल नहीं है कि कुछ भी सोच जाएंगे कि इंटरव्यू ले रहे हैं तो भी उनको ना सोच जाएंगे। चलो माना 10 सॉन्ग साथ में शूट कर लो तो लोग कुछ भी सोच जाते हैं, इंटरव्यू में भी सोचने लगे, गलत बात है ये। तो भाई पर्सनल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं, आप ना सोचिए, खैर लोग सोचते नहीं थे, मैंने पूछ लिया था ये तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए, ये मैं समझ गई थी। तो मैडम मतलब आपने एक बात बोल दी अब कि 10 गाने किसी का शूट कर लो, तो आपने पीछे कुछ टाइम पहले शूट किए थे लगातार गाने, तो मतलब अभी 2-3 दिन पहले भी आप, मैं सीधा ही पूछ लेता हूँ यार, क्या घुमा फिर आगे पूछना है, दिलेर सिंघर के साथ अपना अगला कोई सॉन्ग आपका प्रोजेक्ट? हाँ जी, लोग इंतजार कर रहे हैं, आएगा अभी जाडा सॉन्ग आएगा, और भी चल रहे हैं मतलब प्लानिंग, तो वो तो वही है ना कि टाइम के साथ साथ बता, ज़्यादा तो शूट हो रखा है लेकिन नाम ऐसा है तो अब थोड़ा गर्मी आ गई तो अभी रिलीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं उसको, तो थोड़ा डिले हो गया वो, और बाकी हाँ देखते हैं आगे जो भी होंगे। वो वैसे ही अभी बहुत कम प्रोजेक्ट्स करता है वो, लेकिन हाँ जो करता है वो बहुत अच्छा करता है, ये है। और मैं करती हूँ ज़्यादा शूट, बाकी मेरे वही नॉर्मल एवरेज शूट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जैसे भी है, लोगों को पसंद आ जाए उनमें से कुछ भी, तो अपना अपना तरीका है शूट करने का। मैडम मैंने आपसे 4-5 इंटरव्यू ले लिया, हर इंटरव्यू में इनकम का सवाल पूछते हैं, मना कर देते हो, ऐसा क्यों है? आपकी क्या इनकम है, कितना आ जाता है आपके चैनल का? मैडम मेरी तो दाल रोटी भी नहीं चल पाती, ट्रैवलिंग चार्जेस भी नहीं कर पाता, क्या करूँ, मेरी भी दाल रोटी नहीं चलती, क्या करूँ। मैडम आप इतने शूट करते हो लगातार, आप भी इतने इंटरव्यू लेते हो, कुछ तो चलता होगा। चलो मैडम मेरी तो मंथली 15,000 रुपये है। ये तो गलत बात, ये झूठी बात है, साफ झूठी बात है। क्यों मैडम, और क्या लगता है आपको? आपको क्या लगा, बता दोगे तो मैं बता दूंगी। ना झूठी, आप भी बता दो ना, ले जाओगे चीन के ले जाओगे, नहीं बताऊंगी। कुछ आइडिया आप भी दे दो मैडम। ना मतलब हाँ इतना है, मैं खुश हूँ बस, ये बड़ा अच्छा होता है। अगर मुझे कम भी मिलता, सुकून जरूरी है सबसे ज्यादा, पैसे ज्यादा जरूरी है कि सुकून हो लाइफ में, वो है मेरी लाइफ में, मैं खुश हूँ जैसी मेरी लाइफ है। इस काम को करके मतलब भाई इंटरेस्ट जिसमें होता है उसको करे तो सुकून अपने आप मिलता है, क्योंकि रात के 9 बजे हुए हैं और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं घर से 150 किलोमीटर दूर, क्योंकि इस काम में सुकून है, सुकून होना जरूरी है, जरूरी है। मैडम मेरे इंटरव्यूज में, मैं सच में बता रहा हूँ ये बात, तो काफ़ी सारे कमेंट आते हैं हर इंटरव्यू में आपकी वीडियो के नीचे कि अंजलि मैम शादी क्यों नहीं कर रही, शादी कब करेंगी, शादी क्यों नहीं कर रही, मेरा सवाल नहीं है ये। इसका आंसर ये है, पहली चीज़ कि अभी मेरी सिस्टर की शादी होनी है, दूसरी चीज़ अभी मेरी शादी में टाइम है, हाँ मुझे इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये है कि मैं आ बहुत छोटे से गई थी इस इंडस्ट्री में, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अभी शादी करनी ज़रूरी है कि मुझे ज़्यादा टाइम हो गया। मैं ये सबसे ही कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को क्या कि आपको 10 साल हो गए तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे, अरे मैं 10th क्लास में लाइन में आ गई थी इस फील्ड में, मैं छोटी सी इस फील्ड में आ गई थी, अगर मुझे 10 साल हो गए, आप भी मुझे छोटे से चाहे देख रहे हो, आपकी हो गई या नहीं हुई, कई लोग हैं जो मेरे साथ के हैं जिनकी नहीं हुई, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं लोग कि भाई शादी करो, क्यों करूँ भाई, जब मेरा मन करेगा मैं तब शादी करूँगी, मेरी सिस्टर की होगी तब मैं करूँगी,
मैं क्यों करूं शादी? शादी के सवाल के बारे में, शादी के सवाल के बारे में अंजलि राघव हो गई गुस्सा। नहीं सीरियसली, शादी शादी क्यों नहीं करे? जिससे मिलो शादी, मतलब मैं किसी को परेशान कर रही हूँ, चुभ रही हूँ, काट रही हूँ। चलो भाई इसको हम एडिट कर देंगे, कट कर देंगे मैडम, की भावना निकला ही सामने। इसको हम कट कर देंगे मैडम लोगों पे। ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दो, लोगों के लिए नहीं कह रही मैं, मतलब जो लोग कहते हैं उनके लिए भी कह रही हूँ, बाकी मेरे इंडस्ट्री के भी, शादी करो शादी करो शादी करो, शादी करके तो रहना है पूरी जिंदगी, काम करने दो। वैसे भाई बचपन से मैडम को देखते आ रहे, जब से पैदा भी नहीं हुए थे तब से काम कर रहे हैं लगातार। इतना झूठ मत बोलो, कितने साल के हो तुम? मैं तो मैडम अभी 17-18 साल का ही हूं। 17-18 साल से मुझे देखते आ रहे हो जी? जब से मैडम, यही यही बात है लोगों की, तो मेरे को गुस्सा आता है। जब से मैडम मैंने होश संभाला है तो आपका मतलब पानी आख्या का वो गाना मैंने सुना था। मैडम आपका ही था यो पानी आख्या का, मेरा नहीं फिर आपका दूसरा होगा, टूटा होया दिल कुकर तोड़ेगी, दो गाने के जिंदर होगा सर की बहुत पसंद है मेरे को, 2011 में आया था। मैडम गाना आप गाते नहीं कभी? आज गाना पड़ेगा आप? नहीं गाना नहीं गाते, डिमांड है मैडम लोगों की। मोटो सुना दो फिर। मोटो तो याद भी नहीं है अभी मुझे, और मुझे हरियाणवी आती नहीं है। हरियाणा में भाई काम करती है मैडम को, हरियाणवी आती नहीं है? समझ आती है, समझ आती है, आप बोलोगे वो बोल दूंगी, खुद से मेरे को ये डर डाउट रहता है अंदर ही अंदर कि गलत बोल दी तो हंसोगे। तो मैडम मैंने आपसे आपका घर का व्लॉग बनाने के लिए काफी बार पूछ लिया, मैं ऑन कैमरा पूछना चाहूंगा आपसे, आप कैमरा के पीछे। मेरा ये है कि मैं घर पे बहुत कम जा पाती हूँ, शूट पे, शूट से दूसरे शूट पे, और उसके बाद फिर बचा कुचा दिन होता है वो मैं सोने में निकालती हूँ। मैंने बताया आपको, जो रेस्ट मिलता है मुझे लगता है मैं सो लूँ, फिर घर के कुछ काम होते हैं, कुछ मतलब ऐसा कि काफ़ी सारे होते हैं घर के इशूज़ भी, कि हाँ अभी ये करना है, अभी ये काम कई दिन से पेंडिंग है घर का, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें बिजी हो जाती हूँ, फिर किसी से मीटिंग या कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है, उन सब में दिन निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता। और शूट पे तो ये है कि चलो अभी हम हैं, बीच में गैप मिला, इंटरव्यू हो गया हो गया, घर पे जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे भी बहुत बिजी होती हूँ, मुझे लगता नहीं मतलब। कभी मैडम 10 मिनट का टाइम देंगे तो जरूर उनका घर भी आपको दिखाएंगे, मैं अंदर से कभी मिला तो बिल्कुल जी बिल्कुल जरूर आना। वहाँ पे देखेंगे मैडम कैसी खातिरदारी करेंगे। और मैडम आज भाई इंटरव्यू के बाद मेरे घर पे जाने वाली है तो मेरी रात बड़ा वो होने वाला है हमारे घर पे अंजलि राघव भाई। ऐसा तो कुछ नहीं था, ये बोल देते झूठ, क्या दिक्कत थी बोलने में, मतलब क्या ऐसा तो कुछ नहीं था भाई, इन्होंने झूठ बोला है, मेरे साथ जाएंगे भाई हमारे घर पे, मैंने बोल दिया, मेरी माँ को भी मैंने फोन करके बोल दिया है कि मैडम आपकी होने वाली बहू आ रही है, चैनल इनका, इंटरव्यू ये ले रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ भी। नहीं नहीं मैडम भाई, ये मजाक था सर आपके इंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा नहीं के लिए आप लोगों के लिए होता है, मैडम का बहुत प्यार दे रहे हो, इतने लगातार 10-12 सालों से इंडस्ट्री में ही है और इतने हिट बैक टू बैक सॉन्ग देती रहती हैं और लगातार मेहनत करती है दिन रात शूट पे भाई, और नेचर तो बहुत प्यारा है इनका मैंने बताया सच में, और ये कैमरा के सामने बोलने वाली बात नहीं है, इनका नेचर सच में ही बहुत प्यारा है भाई, जब भी फ़ोन करते हैं इज्जत से बात करती हैं, फ़ोन उठा लेती हैं और मिल भी लेते हैं, शूट पर भी आ जाते हैं, तो सच में इनसे मिलकर अच्छा लगता है, काम तो अच्छा लगता ही है लेकिन इनके साथ इंटरव्यू करके और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इनका इंटरव्यू देखने में काफ़ी मज़ा आता होगा। तो मैडम आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? इनके चैनल के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि सब अनसब्सक्राइब करो इनको। मैडम क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? बड़ी मुश्किल से मैंने ये एक नींव बनाई है, अब क्या दिक्कत है मैडम? सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत करी है मैडम, एक लाख सब्सक्राइबर मैडम 4,000 की कमी है मैडम, कर देना 4,000 पूरे कर दो, सिल्वर प्ले बटन हो जाए, कुछ हमें गिफ्ट देके जाना फिर। आप ही तो मैडम केक कट करोगे मैडम, उस दिन आपको अवेलेबल होना पड़ेगा बिल्कुल, 100 के भाई मैं इनविटेशन दे रहा हूँ मैडम को, 100 के पे मैडम केक कट करेंगी। हाँ हाँ जरूर करूँगी, तो जल्दी से 4,000 इनके जो बचे खुचे हैं अभी 1,00,000 पूरे होने में वो जल्दी से पूरे कर दो, और ज़्यादा ग्रो करो इनका चैनल। और मैडम ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप एंड में? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि बस ऑडियंस बहुत प्यारी है हमारी, ऑडियंस हमेशा से देखती आ रही है, इंटरव्यू जो भी देख रहे हैं वो भी सब बहुत प्यारे हैं, जिन्होंने देखा मेरा इंटरव्यू उन सबको भी थैंक यू, क्योंकि हाँ वो मेरे बारे में जानना चाहते थे इसलिए उन्होंने देखा, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना, हमेशा साथ देना, थैंक यू।
तो टोटल भी भाई अंजलि मैम के टोटल 5-7 लाख व्यू तो इनकी वजह से हमारे चैनल पर है। इनके 4-5 वीडियो है तो 7-8 लाख व्यू हैं। तो मैडम उनकी इनकम मत मांग लेना, कुछ भी नहीं होता यूट्यूब पे इनकम। जब आप खुद का चैनल बनाओगे तो आपको पता चलेगा। वैसे भाई मैडम बहुत प्यारी हैं और ये इंटरव्यू था आप लोगों के मनोरंजन के लिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ बड़ी कहानी थी नहीं। बाकी तो आप लोग समझदार हो, बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे प्यार देते रहो। अगले शूट पर फिर मैडम से कभी मुलाकात होगी बहुत जल्द और फिर से दिखाएंगे। बाकी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।